So welcoming you all to the class number 1 of chapter number 2, that is the supply under the GST. One of the most important chapter of all times because it is going to tell us what is the meaning and the scope of supply. ध्यान से इसको cover up करेंगे. सबसे पहले हो गया था कि आपको goods की definition पता होनी चाहिए. हाथ से आपको ये section लिखना चाहिए थी, 252, section 2, clause 52. And obviously जब मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो आपने मान के चलना है कि वो CGST Act है. Mind my word, जब भी कभी IGST होगा तो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा. अगर मैं एक्ट का एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ तो आप मान के चलेंगे कि वो CGST है. सो सारी डेफिनेशन CGST Act के अंदर ही गिवन है, सेक्शन 252, दैट इज ऑफ द गुड्स. तो वो कहता है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी. मनी के ऊपर जीएसटी नहीं है जी, ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए. आप किसी से 100 रुपए लेकर 50-50 के दो नोट लेते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होना. और फिर है जी सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज की SCRA के अंदर डेफिनेशन हमारे पास है जी, शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, डेट, सब कुछ. बट इंक्लूड्स, पहले उसने बाहर किसको निकाला कि इंक्लूड किसको नहीं करना, मनी और सिक्योरिटीज को. शेयर मार्केट के ऊपर जीएसटी नहीं है और मनी के ट्रांजेक्शन के अंदर भी जीएसटी नहीं है. बट इंक्लूड्स द एक्शनेबल क्लेम, ठीक है. और मैंने आपको बताया एक्शनेबल क्लेम इसने पहले साधु को ले लिया थी, फिर कहा कि सिर्फ लॉटरी और जो बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह है सिर्फ उसी को लेना चाहते थे. तो पहले इसने 100-150 एक्शनेबल क्लेम्स को ले लिया, फिर कहा कि जिनमें से सिर्फ ये 3 लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये रुक जाए, बाकी सारे. सो एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर बहुत वाइड स्कोप है जी, बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन जीएसटी ने सिर्फ 3 को रखा जी अपने पास, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को. कहा कि ये 3 मेरे पास रुक जाए, बाकी सबको वापस. सो एक्शनेबल क्लेम के अंदर डरना नहीं है, सिर्फ 3 आएंगे. फिर वो कहता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी स्वेयर्ड, मतलब उनको अलग कर दिया जाएगा, जो कि आपने मन में बनाया हुआ है कि इसको अलग कर देंगे बिफोर सप्लाई, सप्लाई करने से पहले, अंडर सप्लाई ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ठीक है. जो फार्मर है जब तक उसका सौदा नहीं ना हो जाता तब तक वो पेड़ कट नहीं करता, लोगों को बुला बुला के ना फार्म के अंदर दिखाता है कि जी इस क्वालिटी का टिम्बर है और इसकी वैल्यू बता दो, और वो एस्टिमेशन बेसिस पे देख लेते हैं कि टिम्बर कितना मोटा है और किस क्वालिटी का टिम्बर है, ठीक है. और उस हिसाब से वो बोलते हैं चलो 20 लाख दिए, आपकी 2 एकड़ जगह इसमें जितने भी पेड़ कटेंगे उसके आपको 20 लाख दिए, 50 लाख दिए. और टिम्बर बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, 5 साल में दोबारा से उतने ही ऊंचे पेड़ हो जाते हैं. सो उस टिम्बर को भी गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि आज जब उनको बेचा जा रहा है तब तो वो स्टैंडिंग क्रॉप, ग्रास और द थिंग्स हैं विच आर अटैच टू द लैंड, ठीक है. लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू बी सर्वेयर्ड, ठीक है. तो मैं लैंड के साथ नहीं बेच रहा हूँ उसे, उसको हमने कहा कि अलग कर देंगे बेचने से, इसको भी गुड्स मान लिया जाएगा क्योंकि आज वो मूवेबल नहीं है, बट उसको मूवेबल की डेफिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली इंक्लूड किया, ठीक है. एक और एग्जाम्पल देता हूँ. लेट अस से उस फार्मर ने अपनी जमीन बेच ली 2 करोड़ रुपए की, और उसने कहा कि सर ऊपर जो क्रॉप्स हैं या ऊपर जो टिम्बर है वो कह रहा है बीच में ही देते, ठीक है. बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहे थे तो हमने कहा कि जी सर पैसे तो कम करूंगा नहीं, बीच का जो टिम्बर है वो भी लेंगे, ठीक है, अमाउंट 2 करोड़. सो दैट इज, अब उस टिम्बर को अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है, और पूरी की पूरी अमाउंट इज सोल्ड लाइक द इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब आप ये मत कहना कि सर 1.80 करोड़ इज अ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और 20 लाख का टिम्बर है, कोई टिम्बर नहीं है जी, वो लैंड भी किया, लैंड के साथ अब जो कुछ भी साथ में चला गया वो चला गया, उसके अलग से जीएसटी नहीं लगा. चले आगे, essential ingredients. तो वो कहता है सबसे पहले तो goods की definition है, तो ये 2 words आते हैं जी, immovable and marketable. तो वो कहता है movable property होनी चाहिए. ये supreme court की judgment है, और ठीक है, union of india versus delhi cloth mills, और एक है south bihar sugar mills versus union of india, दोनों landmark judgments हैं जी, और ये excise और VAT के time से है क्योंकि तब भी बड़ा इसमें रहता था. कहता है the supreme court has enunciated that the principle to be called goods, the article must be such as the capable of being bought and sold in the market. सबसे पहले तो उसने क्या कहा, bought and sold, ठीक है, that is मैंने क्या बोला आपको, marketable, वो marketable होना चाहिए. और the article must be something which can ordinarily come or can be brought to the market. ठीक है जी, तो इस जजमेंट से 2 ही वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, पहली लाइन में मार्केटेबल होना चाहिए और दूसरे के अंदर मूवेबल होना चाहिए. अब वो कह रहा है मार्केट में लाए कि नहीं लाए से कोई लेना देना नहीं है, द पॉइंट इज कैन बी ब्रॉट, क्या इसे मार्केट में ला के भी बेच सकते थे, इफ योर आंसर इज यस देन दिस इज द मूवेबल वन. सो मूवेबल एंड मार्केट. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर तो वो कहता है कि जी दैट आर अटैच्ड टू द अर्थ कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज. मनी इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, तो वो कहता है कि जी मनी, और मनी का मतलब इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक और द प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब कुछ भी इसके अंदर आ जाए. सो मेन तो यही है कि इंडियन लीगल टेंडर, ठीक है,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी को भी इसमें अगर आप डॉलर्स में भी डील करें। सिक्योरिटीज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, तो ये तो आपके जहन में होनी चाहिए थी, सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द SCRA 1956 के अंदर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, शेयर्स, क्रेडिट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स ऑफ CIS, सिक्योरिटी रिसीव जो कि सिक्योरिटाइजेशन के अंदर दी जाती है, और एनी अदर यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। और सिक्योरिटीज के अंदर वो कहते हैं कि सर यूलिप्स नहीं, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, जिसके अंदर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के फीचर्स फाइन, और अगर आप इनको ट्रांसफर करेंगे तो फिर उसके ऊपर GST नहीं होगी।